नमस्कार दोस्तों, किट्टू बेटू अमेजिंग किड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मॉर्निंग नाश्ता, जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। चलिए तैयार करते हैं। तो हमने कढ़ाई ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया। उसके बाद हम यहाँ सरसों, सौंफ और जीरा, इसको हम और डालने के बाद तड़का लग गया मेरा, फिर उसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे रेगुलर मसाले जो होते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाले। तो इसको अच्छे से तेल में डालने के तुरंत बाद मैंने आलू डाल दिया। जो आलू उबाल के मैंने पहले से ही रख लिया था, आलू को मसाले में मिक्स कर देते हैं और अच्छे से भूनेंगे इसको। भूनने के बाद इतना इसको भूनना है कि अच्छा सा महक आने लगे कि हाँ मेरा पक गया, अच्छे से बन गया है, रेडी हो गया है। फिर उसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तब तक इसको भूनना है जब तक इसमें महक ना आ जाए। अच्छे से मसाले सब मिक्स हो जाएंगे और आलू का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे और उसके बाद धनिया की पत्ती हरी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाँच से सात मिनट तो इसको मिक्स ही करना है, तभी जाके अच्छे से होता है। फिर उसके बाद अब हम ले लिए हैं ये 10 रुपए का ब्रेड, जो छोटे छोटे आते हैं वाइट ब्रेड, वही लिया है। और इसको आलू को ठंडा हो जाने के बाद मैंने इसे छोटी छोटी गोली बना ली है। फटाफट बना लेते हैं। उसके बाद अब हम दूध लेंगे, और दूध या तो ब्रेड को आप दूध में भिगा सकते हैं या ऊपर से भी ऐसे डाल सकते हैं। ब्रेड भीग जाना चाहिए अच्छे से, और ब्रेड भीग जाए उसके बाद इसको देखिए ऐसे उसी में आलू में लगा लेना है। और हम एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं और एक हाथ से बना रहे हैं, इसलिए नहीं बन पा रहा है। तो अभी दोनों बना के हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए बन गया है अच्छे से। एक गोली में 2 ब्रेड लगता है। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल लिए हैं और उसको चेक करेंगे कि इसमें तेल मेरा गर्म हुआ है या नहीं। अब तेल मेरा इतना गर्म हो चुका है कि जिसमें हम फ्राई कर सकें। चलिए अब हम डीप फ्राई करते हैं। इसमें एक एक करके डालेंगे आराम आराम से। फिर हम सब मिला तेल में पोड़े को ऐड कर लिए हैं। अब मेरा ये फ्राई हो रहा है। जब तक फ्राई होगा धीरे धीरे इसको नीचे हम देखिए छोड़ नहीं रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए, फिर उसके बाद ये छोड़ेगा। अब देखिए कितने अच्छे से नीचे से तल के ब्राउन हो चुका है। इसको हम अब निकाल लेंगे। एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार होगा। आप इसको खाने के बाद टिकिया और ब्रेड पकौड़ा खाना भूल जाएंगे। और उसके बाद निकालने के बाद ये अब हम बनाएंगे चटनी। चटनी हमने ले लिया है लहसुन, मिर्चा, अदरक, नमक, टमाटर और धनिया। तो एक अच्छा सा पेस्ट हम बना लेते हैं। मेरा पेस्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम एक कटोरी में पलट लेंगे। कटोरी में पलटने के बाद हमने अपना नाश्ता रेडी कर लिया। और देखिए कितना अच्छा स्नैक, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है और संडे स्पेशल में रहता है। आप भी बनाइए, आप भी ट्राई करिए इसी तरीके से और खाइए, देखिए परिवार को भी खिलाइए, बहुत खुशी होंगे। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।